हेलो नमस्कार दोस्तों, फटाफट से जानेंगे देश के सभी राज्यों का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, यानी कि कहां पर बारिश होने वाली है और कहां पर आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग ने भारी भयंकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने को कह दिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, मेघालय और उड़ीसा, इन सभी राज्यों का मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। एक एक करके सभी राज्यों का मौसम का हाल विस्तार रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कहां पर क्या कुछ होगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो लाल वाला बटन है इसको दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पास वाला बेल आइकन है इसको भी जरूर से दबा दीजिएगा। यहां नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने राज्य, जिले, क्षेत्र या अपने गाँव का नाम, आप जहां कहीं पर भी रहते हैं, हमें कमेंट करके सही सही से जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित, आपके गाँव से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सके। तो फटाफट से जानते हैं मौसम काल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हल्के से लेकर मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और हरियाणा में भी हल्के से लेकर मध्यम बारिश के साथ ही आसपास के इलाकों पर तेज बारिश होने की भी संभावनाएं मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। वहीं केरल, आंध्र, कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के भी कुछ हिस्सों में और दिल्ली NCR सहित आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के साथ ही आसपास के इलाकों पर जो है मध्यम बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। इसी के साथ मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, शेष पूर्वोत्तर भारत, मराठवाड़ा और राजस्थान सहित गुजरात में भी हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर जो है ओलावृष्टि होने की भी संभावना है, यानी कहां वहां पर जो है भारी बारिश के साथ ही भारी ओलावृष्टि होने की संभावनाएं मौसम विभाग के द्वारा जता दी गई है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे देश भर का मौसमी सिस्टम है जो क्या कहता है। तो दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो पाकिस्तान के ऊपरी भागों और उससे सटे पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बना हुआ है। वहीं एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बन चुका है, जबकि दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है देखा जा रहा है। वहीं एक निचले ट्रफ रेखा के रूप में जो है विदर्भ से आंतरिक तमिलनाडु तक एक ट्रफ रेखा भी जो है फैल चुकी है। इसके अलावा दोस्तों बात कर ली जाए कि बीते 24 घंटों के दौरान जो है संपूर्ण भारत का मौसम कैसा रहा, यानी कि कहां पर बारिश हुई और कहां पर आंधी तूफान दर्ज किया गया है। तो दोस्तों मौसम विभाग ने बताया है कि बीते 24 घंटों के दौरान जो है लक्षद्वीप, आंतरिक तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ ही आसपास के इलाकों पर भारी बारिश दर्ज की गई है बीते 24 घंटों के दौरान। वहीं सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दक्षिण पूर्व पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हल्की बारिश के साथ साथ आसपास के इलाकों पर मध्यम बारिश दर्ज की गई है बीते 24 घंटों के दौरान। वहीं अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तटीय तमिलनाडु, केरल, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी हल्की बारिश हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि दर्ज की गई है बीते 24 घंटों के दौरान। तो दोस्तों ये था संपूर्ण भारत का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का पूर्वानुमान। अभी आपके क्षेत्र का मौसम कैसा और आपके क्षेत्र से ही वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित, आपके गांव से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। और अभी तक आपने हमारे से वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर से कर देवें और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेवें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।